नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हालत हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। दिग्गज नेता गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार के नेताओं पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कभी नेता इटली निकल जाते हैं तो कभी थाईलैंड पिकनिक मनाने जाते हैं। इस तरह के आरोप लगातार इन पर लगते रहे हैं। पार्टी के मौजूदा हालातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन दूर नहीं है जिस दिन कांग्रेस डायनासोर की तरह राजनीति से विलुप्त हो जाएगी। इसी बीच बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने साफ कर दिया है कि कांग्रेसी खुद ही आपस में भिड़कर पार्टी को खत्म कर देंगे। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला सामने आया है। एक बैठक के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। खबर के मुताबिक ये आपसी झड़प विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर शुरू हुई थी। बाद में मामला हाथापाई तक पहुंच गया और बैठक में मौजूद लोग एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और मंच से सबको चुप कराने का भी प्रयास हुआ, लेकिन बात और बिगड़ गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपसी कहासुनी के बीच वहां मौजूद लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं। इस दौरान मंच की ओर कुर्सी भी फेंकी जाती है, नारेबाजी होती है। तभी एक व्यक्ति बीच में आकर कहता है, कांग्रेस के दलालों होश में आ जाओ। हाल ही में पार्टी प्रभारी बनने के बाद भक्त चरण दास अपनी 3 दिवसीय बिहार यात्रा पर बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भी वो सदाकत आश्रम में किसान मोर्चा के साथ बैठक करने गए। बैठक के शुरू होते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं की आपस में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि भक्त चरण दास सबसे शांत होने की अपील करते रहे, लेकिन अन्य सभी लोग आपसी बहस में उलझ गए। दरअसल फुलवारी से पार्टी के पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी उस वक्त अपनी सीट से खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे जब कांग्रेस के पूर्व MLC लाल बाबू लाल ने पूर्व प्रभारी रहे शक्ति सिंह गोहिल के कामों की प्रशंसा शुरू की। संजीव टोनी अपनी कुर्सी छोड़ खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। प्रदेश के शीर्ष नेताओं की पहल पर भक्त चरण दास ने उन्हें मंच पर बिठाया, लेकिन जब बोलने का मौका दिया गया तब संजय टोनी ने आरोप लगाया कि उन्हें छोटी जाति का होने के कारण कांग्रेस में जानबूझकर हाशिए पर रखा जाता है। यानी कि जो कांग्रेस ये दावा करती है कि कांग्रेस में कोई भेदभाव नहीं होता, अब खुद पार्टी के नेता इस दावे की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इससे एक दिन पहले भी बैठक के दौरान भक्त चरण दास के सामने पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा था। सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को मिली हार के कारण प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। यही कारण था कि सोमवार मौका मिलते ही उन्होंने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बदलने की मांग की। वहीं अपनी बैठक में कार्यकर्ताओं को हंगामा करता देख भक्त चरण दास ने पहले उन्हें शांत कराया और फिर उनकी समस्याओं को सुनते हुए हर मसले पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों तक सिमट कर रह गई थी, जबकि उसने कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसे लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।